leads to theorem number 10.8 of chapter circles. Theorem number 10.8 कहती है, the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. इसका कहना है friends, जो कि circle की arc है, arc क्या है यहाँ पे, AB है, ये जो circle की arc है उससे जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये वाला एंगल, ये हमें प्रूव करना है, इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट, वो डबल होगा किसका, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, कोई भी पॉइंट जो उसी आर्क से कोई और एंगल बन रहा है उस एंगल का डबल होगा ये वाला एंगल, और वो एंगल कहीं पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी, इधर भी, उधर भी, ये जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का उस पे कहीं पे भी बन सकता है, उस एंगल का डबल होगा, ये हमें प्रूव करना है, राइट फ्रेंड्स. फिर से एक बार बता देती हूँ, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क जो है सर्कल की उससे जो एंगल बन रहा है एट द सेंटर, सेंटर पर, इज डबल द एंगल, वो डबल होगा किसके, कौन से एंगल के, एंगल सबटेंडेड बाय इट इन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट सर्कल का क्या है, ये पोर्शन है, उस पे कहीं पे भी कोई और एंगल बन रहा है उसी आर्क से, तो वो उस एंगल का डबल होगा जो कि सेंटर पे है. तो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर वो दे रखा है, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल, किसका ट्वाइस होगा, ये डबल होगा किसका एंगल का, इस एंगल का, ए सी बी का, राइट फ्रेंड्स. और अगर ये टू इधर आ जाता है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ दिस एंगल, राइट. अब कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन की है, ज्वाइन कर दिया है हमने सी ओ को, राइट फ्रेंड्स, इस सी ओ को ज्वाइन कर दिया गया है, एंड एक्सटेंड दिस लाइन टू पॉइंट डी, डी तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया, राइट फ्रेंड्स. तो आप कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि जब भी हम कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं तो हमें पुरानी थ्योरम से उसको प्रूफ करना होता है, राइट. तो अब देखिए प्रूफ में हम कैसे करेंगे, प्रूफ हमें पता है OA कहो, OC कहो, OB कहो, ये क्या है सारे हमारे रेडियस, राइट फ्रेंड्स. तो हम पहले इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया OA और OC, OA और इसी ट्रायंगल का OC and OC are the radii of the circle. Radii है, radius है of circle. तो क्या हो गई आपस में, equal हो गई, OA equals to OC. अब हमें पता है जब भी किसी triangle की दो sides equal होती हैं तो उसके opposite angles क्या होते हैं, equal होते हैं. तो OA का opposite angle क्या हुआ, OCA, angle OCA is equals to, OC का opposite क्या हुआ, angle OAC, equal हो गए, why, because opposite angles of equal sides are also equal, right friends, ये हमें पता है. अब देखिए ये वाला इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. अगर मैं बात करूं फॉर ट्राइंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ डी क्या है, ए ओ डी कैसे निकालेंगे, अगर ये वाला एंगल निकालना है इस ट्राइंगल में से, ये और ये एंगल ऐड करके निकालेंगे, तो एंगल OAC plus angle OCA दोनों को add करके निकालेंगे. अब हमें इस आधे इसको इसके equal prove करना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ये वाला angle लिख लेंगे, तो ये कौन सा हुआ OCA,
तो हम ओ ए सी की जगह ओ सी ए लिख लेंगे, यहाँ हमने इक्वल दोनों को प्रूव ऑलरेडी किया हुआ था, राइट रेंज। तो एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, तो ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए। यहाँ आप लिख सकते हैं बिकॉज एंगल ओ सी ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, राइट फ्रेंड्स। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है, वाई बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कल, राइट। अब जब ओ बी के ऑपोजिट एंगल्स क्या कौन सा है, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू ओ सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ओ बी सी, राइट फ्रेंड्स। वाई, सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑल्सो इक्वल, राइट फ्रेंड्स। तो अब ये आ गया है, तो हम अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो ये यहाँ पे हम यहाँ पे कौन सा लगाया था, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई थी हमने, थ्योरम। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे एंगल बी ओ डी देखें तो वो कैसे बनेगा, एंगल ओ बी सी को, ओ बी सी को और ओ सी बी को ऐड करके, एंगल ओ सी बी को ऐड करके, राइट फ्रेंड्स। और यहाँ हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया हुआ है और हमें ओ सी बी चाहिए, तो ओ बी सी की जगह ओ सी बी लिख देंगे। ये हमारी क्या हुई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हुई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, राइट। अब यहाँ पे ओ बी सी की जगह ओ सी बी लिखा प्लस एंगल ओ सी बी, तो ये कितना आ गया हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी, राइट फ्रेंड्स। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अगर अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो देखिए AOD और BOD, AOB बन गया, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए लेफ्ट का लेफ्ट साइड ऐड करेंगे और राइट का राइट साइड, AOD प्लस एंगल BOD is equal to twice of angle OCA, ये था first, और plus twice of angle OCB. AOD plus BOD हमें पता है AOB बन गया है, right friends, two common आ गया है, और ये क्या हो गया, OCA angle plus angle OCB, तो ये क्या बन गया है, twice OCA and OCB, ACB बन गया है, राइट फ्रेंड्स। यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पे एंगल AOB। अब ये फर्स्ट केस हुआ है फ्रेंड्स, अब इसमें आगे क्या दो केसेस और हैं, उसमें सब कुछ सेम जाएगा, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, क्या है वो, अगर मैं इस सर्कल को, ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर में से पास करती हूँ, तो ये क्या हो जाता है हमारा, डायमीटर हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। और उसके ऊपर ये जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनेगा, ये सी ए सी बी अब कितना आएगा, देखिए हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमारी कितनी की हो जाती है, 180 डिग्री की, और ये हमारा क्या होता है, हाफ होता है इसका, या इस एंगल का डबल होता है ये एंगल, राइट फ्रेंड्स। तो अब देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी करें, ये मैं केस सेकेंड समझा रही हूँ आपको, केस सेकेंड, राइट। तो ए ओ बी हमारा 180 हुआ, ट्वाइस ऑफ ए सी बी किया तो एंगल ए सी बी कितना आ गया हमारा, 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। इसलिए हम कहते हैं यही वो थ्योरम है कि एंगल्स ऑन द सेमी सर्कल, तो एंगल डायरेक्टली 90 डिग्री, ये आप आगे प्रूफिंग में यूज करेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, राइट फ्रेंड्स। अब एक थर्ड केस होता है, केस थर्ड में क्या डिफरेंस है, सर्कल में अगर ये ऐसे आए, देखिए
ये क्या है, ओ ए बी एंड सी, मैंने सेम नेमिंग की है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आर्क बढ़ी होती चली जा रही है। ये पहले माइनर आर्क थी और ये अब मेजर आर्क होती चली जा रही है, राइट फ्रेंड्स। देखिए अब ये मेजर आर्क क्या है, ये क्या हुआ हमारा रिफ्लेक्स, अब ये वाला एंगल क्या हुआ रिफ्लेक्स एंगल, जो यहाँ था 180 डिग्री तक हम एंगल लिखते हैं, लेकिन जब वो उससे ज्यादा हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं उसको रिफ्लेक्स एंगल लिखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, यही आएगा, राइट फ्रेंड्स। तो बाकी सब सेम है, बस इसको प्रूफिंग में ये आएगा आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.